औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुराद अली शाह। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम देखने का, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन यखनी पुलाव। ये तकरीबन 1300 ग्राम चिकन है, ये 1 किलो चावल है, डुबो के रखे हुए थे, और ये उसके बाकी मसाले। पहले कड़े मसाले दिखाता हूँ। ज़ीरा, बादियान का फूल, साबित धनिया, साबित इलायची काली, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, लहसुन अदरक, कलर के लिए प्याज, धनिया पाउडर, नमक, इन सब चीज़ों को मिलाते हैं और चिकन यखनी पुलाव बनाते हैं। दिखाते हैं आपको। ये पानी हमने रख दिया, पहले धोएंगे चिकन को। पानी गर्म हो गया, डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको धोएंगे गर्म पानी से और फिर धोएंगे ताज़ा पानी से। गर्म पानी से लाजमी धोया करें, तरह तरह की बीमारी आई है। ये चिकन साफ हो गया, निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन साफ हो गया। आप कलर को देखें, धोया करें। अपने आप को और अपने बच्चों को बीमारी से बचाया करें। शुक्रिया। धोते हैं ताज़ा पानी से, दिखाते हैं फिर। जी चूल्हे जला दिया और बर्तन रख दिया, डालते हैं पानी। 1 किलो चावल, 2 किलो पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खड़े मसाले, नमक डालते हैं चिकन को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको पकाएंगे, यखनी बनाएंगे और फिर उसमें चावल पकाएंगे, दिखाते हैं आपको। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, यखनी बन गई। चिकन को ज़्यादा पकाएंगे भी नहीं, इसको बाद में पुलाव में भी पकाना है। देखें, इस पोजीशन पे जब रान आ जाता है तो इसको निकालेंगे बाहर। बंद करते हैं चूल्हा, निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन सारा बाहर निकाल दिया और ये यखनी है, ये गरम मसाले बीच में पड़े हुए हैं। इसको सेट पे रखेंगे, बनाते हैं पुलाव के लिए तड़का, दिखाते हैं आपको। जी घी हमने रखा हुआ था, तकरीबन 2-3 चम्मच, बाकी घी हम ऊपर डालेंगे। डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ब्राउन करेंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्याज ब्राउन हो गया। इसको और भी ब्राउन करना है, काला करना है, कलर निकालना है इसका। टाइम पे डालते हैं लहसुन अदरक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टाइम पे डालेंगे
यखनी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मसाले डालते हैं, हल्दी पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच मिलाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो यखनी बनाई हुई थी वो डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साथ में डालेंगे चावल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिलाएंगे सबको साथ में। इसको पकाएंगे चावलों को। ये चावल पे एक दो उबाले आ गए, देखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल पकने वाले। जब चावल इस पोजीशन पे होंगे तो इसमें डालेंगे चिकन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और मिलाते हैं साथ में। ढक्कन रखेंगे, पानी खुश करेंगे, जब दम पे लगाएंगे तो दिखाते हैं आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी सूख गया, हल्का हल्का पानी है। चूल्हा कम करेंगे, तकरीबन दरमियानी आंच से थोड़ा सा कम, और रखेंगे ढक्कन। 10 मिनट के लिए दम देंगे, और 10 मिनट के बाद देखते हैं कि ये जी 10 मिनट हमने इसको दम पे रखा हुआ था। अभी चूल्हा बंद करेंगे और रखते हैं इसको सेट पे, और घी गरम करेंगे ऊपर डालने के लिए। जी घी हमने रखा हुआ था, और प्याज डाल दिया, प्याज ब्राउन हो गया। डालते हैं ज़ीरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चूल्हा बंद करेंगे, इसको डालेंगे पुलाव के ऊपर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप जब भी पुलाव पकाते हो तो इसी तरीके से घी ऊपर डाल दिया करें। रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद डिश आउट करते हैं। ये 5 मिनट हमने उसके ऊपर घी डाला, ढक्कन हटा के देखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह देखें आप प्याज का कलर, और चावल देखें, खोल के देखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह चावलों को देखें, कितना बेहतरीन दाना दाना पड़ा हुआ है। प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टाइम पे रखेंगे कीरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टमाटर, और रखेंगे टमाटर वाला फूल।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन यखनी पुलाव बन गया। आप भी बनाए इसी तरीके से ऐसे ही मसालों में, इंशाल्लाह आपका चिकन यखनी पुलाव लाजवाब होगा। अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखे, अपने पड़ोस का ख्याल रखे, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखे, और हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।